हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ व्रत की संपूर्ण कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी साहूकार के साथ बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते फिर स्वयं खाना खाया करते थे। एक दिन जब करवा चौथ का व्रत आया तो करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाएगी। अपनी बहन को भूख प्यास से व्याकुल देख सबसे छोटे भाई ने पहाड़ी पर जाकर एक दीपक जला दिया और उसे चलनी की ओट में रख दिया। वापस आकर बहन से कहने लगा, बहन चांद निकल गया है तो अर्घ देकर खाना खा लो। करवा भागी भागी अपनी भाभियों के पास गई और कहने लगी, भाभी चलो चांद निकल गया, अर्घ देकर खाना खाते हैं। भाभियां सारी बात जानती थी, वो बोली, भाई साहब अभी आपका चांद निकला है, आप अर्घ देकर खाना खा लो, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। करवा भोली भाली भाभियों की ये बात नहीं समझ पाई और चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला तोड़ा तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से खबर आ गई कि जैसी भी हालत में है तुरंत अपने ससुराल पहुंचे। सेठानी करवा को विदा करने के लिए जैसे ही कपड़े निकालने लगी तो कभी उसके हाथ में काला कपड़ा आए तो कभी सफेद, ये देखकर सेठानी को बहुत चिंता हुई और वह करवा से बोली, बेटा रास्ते में जो भी मिले उन सबके पैर छूटी जाना, जो भी तुझे